ये क्या बना रहे हो? ब्रेड पकोड़े। आपने तो मुझे खिलाए नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं। और वैसे भी बॉबी नहीं है, बॉबी मुझे सिखा कर गई है, तो उस हिसाब से बना रही हूँ। ये 10 मिनट का रेस्ट दिया था मैंने इसे। और ये आप क्या बना रही हो? ये खिचड़ी है, हेल्दी खिचड़ी। एक ब्रेड पकौड़ा मुझे भी दे देना। पर आप तो हेल्दी खा रही हो, फिर हेल्दी के ऊपर से आप ऑयली खाओगी, ये क्या बात हुई? वैसे भी मैं ये भैया के लिए बना रही हूँ, उनको मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको पसंद है दरदरा, जब वो आता है ना धनिया, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया। पता नहीं आपको क्यों नहीं बताया। ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो अपने आप से बोल दिया, मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी कि भैया उंगली चाटते रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनने वाले हैं, खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है। काश ये सब नहीं हुआ था तो मैं खाती, बस सूंघ ही सकती हूँ, वैसे भी चुड़ैल देगी तो नहीं। अरे यार क्या फिलिंग बनाई है मैंने ब्रेड पकौड़े की, मतलब क्या खुशबू आ रही है, धनिया सौंफ, इतना टेस्टी, मुझे पता नहीं था मुझसे इतना टेस्टी बन जाएगा। मुझे पता है मुझे ही सुना रही है ये, कितना बैड लक है मेरा जो मैं खिचड़ी खा रही हूँ और ये ब्रेड पकौड़े। सबसे पहले तो भैया को खिलाऊंगी और फिर सारा मैं खा जाऊंगी। सोच रही हूँ मम्मी के लिए भी भिजवा दूँ। तेल गर्म नहीं हुआ है, 2-3 और बना देती हूँ। चुड़ैल मुझे सब समझ आ रहा है, तो मुझे चुड़ा रही है। इसी में ब्रेड पकौड़े का स्वाद आ रहा है। आज तो बनाऊंगी अच्छे ब्रेड पकौड़े। पहले तेल चेक कर लूँ गरम हुआ है या नहीं। ओह तेल तो गरम हो चुका है, अभी तो अपने लिए बना लेती हूँ, भैया के लिए बाद में बनाऊंगी। अरे अरे ये क्या कार्टून बनी हुई हो आप? मुझे क्या खांसी जुकाम हो रहा है जो किचन में मास्क पहन के आई हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए पहना है। आपकी तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती है जब देखो। ये लो धोने डालना इसको। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, अभी धो दो इसको सीधा। मैं तो ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकती कुछ को। अरे अरे कितना एटीट्यूड दिखा रही है कल से, इसको तो बताना पड़ेगा। पहले एक बार चिढ़ा दूँ ब्रेड पकौड़ा खा के। अरे ये हाथ में क्यों नहीं आ रहा है, कैसे बनाते हैं? ज्यादा बोल गई मैं, ये तो मेरे साथ ही नहीं दे रहा है। अरे प्लीज 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 चला जा। फाइनली चला गया, ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में तो आज मेरा पोपट हो जाता। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, काश मैं खा पाती, लेकिन मैं नहीं खा सकती 2 दिन तक, और उसके बाद तो मैं खूब खाऊंगी। बोलने में भी दर्द हो रहा है, ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? दूसरे वाले को आराम से करती हूँ, पता नहीं कैसे बनाते हैं लोग खुशी खुशी, मुझे तो बड़ा ही बेकार लगता है बनाना। देख तो नहीं रही कहीं मेरी बेइज्जती करे, आता नहीं है बनाना, ज्यादा स्टाइल मार रही थी। अरे यार ये तो मुझसे पलट भी नहीं रहे, टफ है इन्हें बनाना। पता नहीं उस दिन भाभी ने कैसे बनाए थे और टेस्टी भी लग रहे थे, थैंक गॉड पलटा तो सही। झलाना दू बस, बेइज्जती हो जाएगी वरना मेरी। अरे निकल गए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, कितने टेस्टी लग रहे हैं। वाओ। कोई सुन रहा है या नहीं, या घर में कोई भी नहीं है, कहीं मास्क लगा के बहरे तो नहीं हो गए? तब तक ये पक रहे हैं, चढ़ा कर आती हूँ। अरे चटनी तो डालना भूल ही गई, चटनी भी तो बनाई थी मैंने, इतनी टेस्टी चटनी, और केचप भी ले लेती हूँ। बन गए मेरे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। अरे आप क्या खा रहे हो? खिचड़ी। और ये क्या तरीका है, मास्क लगा रहे हो फिर खा रहे हो, फिर मास्क उतार रहे हो फिर खा रहे हो? ये मेरा न्यू स्टाइल है। बेकार स्टाइल। पर मेरे ब्रेड पकौड़े देखो कितने खस्ता बने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रेड पकौड़े खा रही हो। क्या खुशबू आ रही है, तारीफ करूंगी तो नाचने लग जाएगी सर पर। वैसे थोड़े से आधा तो मुझे दे दो। अरे नहीं ये तो मैं भी नहीं खा सकती हूँ। क्यों? अभी अभी भैया का कॉल आया था, बस आने वाले 2 मिनट में, तो ये उनको दे देती हूँ, अपने लिए थोड़ी देर में बना दूंगी, मुझे इतनी भूख भी नहीं थी, वो तो बस मैं खुशबू फैलाना चाहती थी घर पे। आपको भी खाने का मन है? नहीं नहीं लग तो रहा है, एक काम करो रेसिपी देख के खुद बना लो अपने लिए, मैं तो ये भैया के लिए रख देती हूँ, खिचड़ी खाओ। चुड़ैल कहीं की, सच में मेरे तो ऐसा लग रहा है बीमारी वाले दिन आ गए, 3 दिन से खिचड़ी खा रही हूँ खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा बना ली थी मैंने।